अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है इंस्टेंट जलेबी। बहुत ही जल्दी बनने वाली है, अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट से ये बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टेंट जलेबी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 1 कप मैदा, आधा कप दही है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। इधर सबसे पहले हम शीरा बना लेते हैं। ये इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप चीनी और इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। ये देखिए, ये 1 गिलास पानी डाल देते हैं। ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, इसको जस्ट वो मेल्ट करनी है शुगर, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये बस हमने चीनी को अंदर घुलाना है। ये देखें, चीनी घुल जाएगी तो इसमें थोड़ा फूड कलर डालेंगे। येलो फूड कलर डालें या ऑरेंज फूड कलर डालें। दोस्तों ये देखें, हमारी शुगर मेल्ट हो गई है। इसको कोई एक तार दो तार नहीं करना, बस सिंपल इसको इसका शीरा बनाना है। अब इसमें हम फूड कलर डालते हैं। ये 2-3 ड्रॉप्स फूड कलर के हैं, ये मैं डालूंगी। मेरे पास ऑरेंज कलर है, आपको येलो डालना है तो येलो डाल लें। ये देखें, ये हमारा शीरा रेडी हो गया है। तो चलें अब बनाते हैं जलेबी। ये जी 1 कप मैदा, इसमें ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी और ये 1/2 कप दही का जाएगा। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे पानी कितना हमें चाहिए। इसको मैं हाथ से फेंट रही हूँ क्योंकि ये वैसे नहीं फेंटा जाएगा। दोस्तों ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा फेंटना है, इसको हम ना 10 मिनट के लिए इस तरह फेंट फेंट के फिर छोड़ देंगे। अच्छा दोस्तों ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं इसको, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। ये मेरे पास 1 पैकेट है, अब मैं सारा बैटर इसमें डालूंगी। ये देखें, ये बॉटल, आप इस बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी नोज़ल ऐसे हो आगे से ना, बारीक वाली। ये सारा बैटर इसमें डाल देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये नोज़ल सी बन गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा कट करूँगी तो फिर इसको फ्राई करते हैं। ये देखें, ये शेप जो मर्ज़ी आप बना लें, उसमें कोई वो टेंशन की बात नहीं है, टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा। ये देखें दोस्तों, ये गोल्डन हो गई हैं। अब इसको हम यहाँ से निकाल के तो शीरे में डालेंगे, ज़्यादा डिप नहीं करना, बिल्कुल सॉगी सी हो जाएंगी। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, अगर कभी मेहमान आ जाएं तो कुछ भी ना हो मीठा तो आप जल्दी से बना सकते हैं। ये बन गई हैं, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, अब बाकी भी बना लेते हैं। दोस्तों ये रेडी हो गई हैं, बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली, बहुत मज़े की। शेप जो भी दे दें, अब ऐसे बन गई तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी इसको शेप दे दें, ठीक है। झटपट से बनने वाली बहुत ही मज़े की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।